MRI स्कैन कैसे किया जाता है। आज की टेक्नोलॉजी हमारे सोच से कई ज्यादा आगे बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं MRI की, जो कि बीमारियों को आसानी से पता लगा लेता है। MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। इस मशीन में मैग्नेटिक फील्ड होता है जिससे बीमारियों का पता लगाया जाता है। इसमें पूरी बॉडी को एसिने किया जाता है जिससे अंदर की बॉडी को कंप्यूटर पर देखा जाता है। मशीन के अंदर जाने से पहले सारे कपड़े उतारने होते हैं और डॉक्टर द्वारा दिया हुआ कपड़ा पहना होता है। मेटल के सामान को बाहर ही रख दिया जाता है। इसमें बिल्कुल सीधे लेटे रहना होता है। मशीन बहुत तेज आवाज करती है जिससे मरीजों को बचने के लिए ईयरफोन दिए जाते हैं। स्कैन होने में 30-50 मिनट लग सकते हैं। अगर आपके बॉडी पर टैटू है तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को पहले बताना पड़ेगा। दोस्तों, MRI मशीन डॉक्टरों के लिए बहुत मददगार साबित हुआ है। आपको बता दें कि MRI जानलेवा नहीं होता है। यह मरीज पर निर्भर करता है कि MRI करने पर उसे कैसा महसूस हुआ। डॉक्टर के सलाह के बिना MRI नहीं करना चाहिए। पहली बार MRI का प्रयोग वर्ष 1977 में कैंसर जाँच के लिए किया गया था।